वेलकम टू स्टडी स्कॉड आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास एट जोग्राफी की बुक के चैप्टर थ्री जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और हम एम सी क्यूज बीच में देखेंगे तो सबसे पहले एम सी क्यूज देखते हैं क्वेश्चन वन है हमें बताना है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटेलिक मिनरल मतलब मेटलिक मिनरल्स होते हैं जैसे कि आयरन हो गया है ना नॉन मेटलिक मिनरल कौन सा होता है जिसमें मेटल नहीं होती वो होता है लाइम स्टोन तो इसका आंसर है सी लाइम स्टोन नेक्स्ट है विच कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ वर्ल्ड स्टिन दुनिया की आधी से ज़्यादा टिन जो है वो कौन सा कॉन्टिनेंट उगाता है एशिया अफ्रीका कौन सा एशिया इसका आंसर है हमारे पास एशिया तो देखो अफ्रीका एशिया ये ऑप्शन है इसका आंसर एशिया है नेक्स्ट है विच कॉन्टिनेंट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन इन आयरन ओर इन द वर्ल्ड तो आयरन ओर कौन सा कॉन्टिनेंट उगाता है तो मतलब उगाता नहीं है आयरन ओर जमीन में निकलता हो तो आयरन ओर सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है कौन से कॉन्टिनेंट में होता है तो वो है यूरोप यूरोप में सबसे ज़्यादा आयरन ओर होता है नेक्स्ट है विच स्टेट इज़ द मेजर बॉक्साइड प्रोड्यूसिंग एरिया तो मध्य प्रदेश एम का जो इलाका है वहाँ पर बॉक्साइड जो है मिनरल वो काफ़ी ज़्यादा होता है और कौन सा है वॉट इज़ द नेम गिवेन टू द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम कोल बिजली जब कोयले से बनती है तो हम उसको बोलते हैं थर्मल पावर थर्मल ठीक है नेक्स्ट आता है कन्वेंशनल सोर्स तो कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस तीनों के तीनों हम लोगों के क्या हैं कन्वेंशनल सोर्स हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स कौन कौन से होते हैं जैसे कि जो हमारा सोलर हो गया है ना विंड हो गया बायोमास ये सब होते हैं नॉन कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल कन्वेंशनल मतलब कोल वगैरह से जो यूज़ करते हैं कोल वगैरह के अलावा जो होते हैं वो नॉन कन्वेंशनल होते हैं और बरीड सनशाइन किसे कहते हैं कोल को क्यों क्योंकि जो पेड़ पौधे जब जमीन में दब गए तो लाखों सालों बाद वो क्या बन गए कोयला बन गए तो बरीड सनशाइन सनशाइन क्यों क्योंकि सनशाइन की वजह से ही तो पेड़ पौधे है उगते हैं तो ये आंसर्स हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट करना है रॉक और ओर के बीच में क्या अंतर होता है तो रॉक क्या होती है इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स एंड ओर इज अ रॉक फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड तो ओर क्या होता है सॉरी जो रॉक होती है उसमें एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स होते हैं और ओर में क्या होते हैं ओर जो होता है वो रॉक ही होता है ओर इज़ अ रॉक फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड मतलब ऐसी रॉक्स में से जिसमें से मिनरल्स को निकाला जा सकता है उसको हम लोग कहते हैं कि ये तो ओर है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेरिंग क्वेरिंग क्या होता है तो क्वेरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इन विच मिनरल्स लाइंग नियर द सर्फेस आर सिंपली डग आउट तो मतलब आप Uh, कडा खो दो तो और निकाल लो चीज को तो वो होता है मिक्वरिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द लीडिंग टिन प्रोड्यूसर इन द एशिया एशिया में सबसे ज़्यादा टेन कहाँ होता है तो चाइना मलेशिया इंडोनेशिया ये तीन जगह हैं जहाँ पे टिन बहुत ज़्यादा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टू एरियाज इन ऑस्ट्रेलिया विच हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड तो गोल्ड के डिपॉजिट ऑस्ट्रेलिया में कहाँ कहाँ पर हैं तो कैल गॉर्ली और कूलगा तो काल गुर ली ठीक है और कूल गाड़ी यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी गोल्ड मिलता है क्वेश्चन फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है नेम टू मिनरल्स एंड विच प्रोडक्शन इन हुज प्रोडक्शन इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट अ सिग्निफिकेंट पार्ट तो इंडिया में काफ़ी अच्छा uh, कौन सा मिनरल मिलता है तो हाई ग्रेड आयरन हमारे देश में आयरन बहुत मिलता है और हमारे देश में सॉल्ट भी लीडिंग प्रोड्यूसर है नमक भी काफ़ी बनाया जाता है देश में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि इन विच इंडस्ट्री सिलिकॉन इम्पोर्टेंट तो सिलिकॉन किसमें इम्पोर्टेंट होती है कंप्यूटर में कंप्यूटर सिलिकन से ही बनता है इसीलिए सिलिकन वैली सिलिकन वैली किसे कहते हैं पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और कहाँ से आता है क्वाड से नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर मिनरल्स कंसीडर्ड नॉन रिन्यूएबल मिनरल्स को आप ये सब क्यों कहते हैं कि ये दोबारा से नहीं बनाए जा सकते तो आंसर है मिनरल्स टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म हज़ारों साल लग जाते हैं मिनरल्स को बनने में रेट ऑफ फॉर्मेशन बहुत ही धीरा होता है और कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है इसलिए कहते हैं नॉन रिन्यूएबल है मतलब आपने कोयला अगर आज जला के ख़त्म कर दिया तो हज़ारों साल लग जाएंगे उसे दोबारा बनने में इसलिए इसको हम नॉन रिन्यूएबल क्यों रिन्यू जल्दी से नहीं हो पाते हैं इसलिए हम इन्हें नॉन रिन्यूएबल कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल वाइज कोल कॉल्ड बरीड सनशाइन कोल को बरीड इड दबी हुई सनशाइन क्यों कहते हैं तो देखो कोल इज कॉल्ड बड़ी सनशाइन बिकॉज इट इज फाउंड बरीड अंडर दी अर्थ एंड इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी तो एनर्जी का काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स होता है और जमीन में दबा हुआ होता है इसलिए इसे बड़ी सनशाइन कहते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन है वाइस पेट्रोलियम को हम लोग ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं तो पेट्रोलियम एंड इट्स डेरीवेटिव डेरिवेटिव यानी कि क्या क्या पेट्रोलियम से हम लोग क्या क्या निकलता है पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल निकलता है डीजल निकलता है कैरोसिन निकलती है वैक्स निकलती है बहुत कुछ निकलता है तो इसके डेरीवेट्स को डेरीवेटिव uh, मतलब ये सब चीजें जो इससे निकलती है पेट्रोलियम से पेट्रोल और पेट्रोलियम अलग चीज है पेट्रोल पेट्रोलियम से पेट्रोल डीजल कैरोसिन बहुत बॉक्साइड

यहाँ पे हमें बोला गया है डिस्क्राइब द मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इन नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में मिनरल्स कहाँ कहाँ पर हैं तो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इन नॉर्थ अमेरिका आर फाउंड इन थ्री जोन्स तीन जगह पर हैं कनेडियन रीजन में मिलते हैं कनेडियन रीजन इन द नॉर्थ ऑफ ग्रेट लेक्स एपलाचियन रीजन और रॉकी माउंटेन इन द वेस्ट तो कनेडियन रीजन में ग्रेट लेक्स के ऊपर ठीक है और एपेलैचियन रीजन में और रॉकी माउंटेंस हाँ हाँ में यहाँ पे हमें गोल्ड आयरन और निकल गोल्ड यूरेनियम कॉपर और माइनिंग की जाती है कैंडिनेवियन शील्ड में कोल एपेलिचियन में मिलता है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा जो है वहाँ पे कॉपर लेड जिंक और गोल्ड सिल्वर मिलता है नेक्स्ट है कॉमन यूजेज ऑफ मिनरल्स क्या क्या है मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट इन मैनी इंडस्ट्रीज मिनरल्स काफ़ी इंडस्ट्रीज में इंपॉर्टेंट होते हैं मिनरल्स यूज इन जेम्स आर यूजअली वेरी हार्ड दीज आर दैन सेट इन वेरिंग स्टाइल्स ऑफ ज्वेलरी आयरन कॉपर मेटल्स यूज इन ऑलमोस्ट एवरी थिंग है न हर 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 चीज़ में लोगों का इस्तेमाल तो ऑलमोस्ट हम करते ही हैं कॉपर इज प्रेजेंट इन एवरी थिंग फ्राम कॉइंस टू पाइप एंड इलेक्ट्रिसिटी वायर सिलीकन ऑपरेट फ्राम मिनरल कॉर्ड इज द बेस फॉर कंप्यूटर इंडस्ट्री एल्यूमिनियम ऑपरेट फ्रॉम ब्रॉक्साइड और उसके अलावा इस एरोप्लेन तक में बनाने के काम आते हैं एल्यूमिनियम जो है हम लोग किचन के बर्तनों में भी इस्तेमाल करते हैं तो मिनरल्स के ये कुछ हमने यूजेज़ यहाँ पर देख लिए तो हो गया हम लोगों ने देख लिए कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को थैंक यू